अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये उस वीडियो उस एम्ब्राको सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एम्ब्राको सीएमएस इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। ASP.NET वेब एप्लीकेशन का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ब्राउज में जाकर हम लोकेशन चूज करेंगे। मैंने नेम दिया है उर्दू _1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फोल्डर सेलेक्ट किया है। प्रोजेक्ट नेम चूज किया है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। उसके बाद ओके पे जाते हैं हम। यहाँ से हमने MT चूज करना है और यहाँ पे हमने MVC पे चेक करना है और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जितनी देर ये विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट बना रहा है, चले विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट बना लिया। आप देख सकते हैं MVC का पूरा स्ट्रक्चर है, कंट्रोलर्स हैं, मॉडल हैं, व्यू हैं। क्योंकि मैंने MT प्रोजेक्ट चूज़ किया था इसलिए ये MT है। व्यूज में वेब कॉन्फिग की फाइल है और कुछ भी नहीं है। इसके साथ हम एक SQL सर्वर चलाएंगे। SQL मैनेजमेंट स्टूडियो आपको इंस्टॉलेशन के लिए लाजमी चाहिए। ये मेरा SQL सर्वर ऑन हो गया है। डॉट के नाम से मेरा सर्वर है और विंडोज ऑथेंटिकेशन में मैं कर रहा हूँ। कनेक्ट किया। यहाँ पे मेरी तमाम डेटाबेसेस आ रही हैं। यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा, न्यू डेटाबेस प्रोजेक्ट अंडरस्कोर उर्दू। इनफैक्ट प्रोजेक्ट उर्दू ऐड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डेटाबेस बन गई है। ये डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल शामिल नहीं है। अब मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, टूल्स में जाकर न्यूगेट पैकेज मैनेजर में मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। यहाँ पे इंस्टॉल्ड वाले सेक्शन में मेरे तमाम इंस्टॉल्ड सॉल्यूशंस, जो मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं पीछे से जो आते हैं वो हैं। ब्राउज में मैं लिखूँगा एम्ब्राको CMS। मैंने सर्च किया एम्ब्राको CMS। एम्ब्राको CMS जहाँ से मैंने चेक किया, नीचे जाके आपने लेटेस्ट टेबल वाला इंस्टॉल करना है। इस टाइम 7.10.3 वाला वर्जन चल रहा है। इंस्टॉल करूँगा मैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपके इंटरनेट से इंस्टॉल कर रहा है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो आपसे पूछेगा लाइसेंस एक्सेप्टेंस में। इस लाइसेंस एक्सेप्टेंस में आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उस इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे पूछेगा कि ग्लोबल ASAX फाइल एग्जिस्ट करती है, आप क्या उसको ओवरराइट करना चाहते हैं। आप यस टू ऑल पे क्लिक करेंगे कि जी बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। जब आपका एम्ब्राको पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको ये विंडो नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपका एम्ब्राको कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब उसको हमने कस्टमाइजेशन अप्लाई करनी है। आप डीबग करेंगे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। पहली दफ़ा वेबसाइट लोड हो रही है इसलिए कुछ टाइम ले रही है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये विंडो आ गई, इंस्टॉल एम्ब्राको हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हम
फुल नेम देंगे अपना, ईमेल देंगे, और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे अपना। ये आपने इम्ब्राको की वर्जन्स की अपडेट्स वगैरह लेनी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वो आपको ईमेल्स करेंगे। इसके बाद हम कस्टमाइजेशन के ऊपर जाएंगे। कस्टमाइजेशन में हम डेटाबेस टाइप चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी सीक्वल सर्वर है इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर चूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको सीक्वल सर्वर चलाते हुए सबसे पहले बताया दिखाया था कि हमारे पास सर्वर कौन सा है। मेरा इस टाइम सर्वर है डॉट, और मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन, और मेरे पास डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट उर्दू। मैं यहाँ पे सर्वर नेम की जगह डॉट करूँगा, डेटाबेस नाम मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट उर्दू, और क्योंकि मेरी विंडोज ऑथेंटिकेशन है इसलिए मैं यूज़ इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन करूँगा, वरना आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड लिखेंगे जो सीक्वल सर्वर के लिए आपने चूज़ किया हुआ। मैंने यूज़ इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन की और कंटिन्यू किया। ये आपसे कॉन्फ़िगर एएसपी डॉट नेट मशीन की करेगा, पूछेगा, इसको आपने कंटिन्यू करना है। इम्ब्राको आपको फैसिलिटी देता है कि आप इंस्टॉल अ स्टार्टर वेबसाइट, स्टार्टर वेबसाइट के इम्ब्राको खुद थोड़ी सी वेबसाइट बनाकर आपको दे देगा, और आप इसको आगे लेके चल सकते हैं और इसको मोर एडवांस फीचर्स ऐड कर सकते हैं। चूँकि ये एक ट्यूटोरियल क्लास है, और वैसे भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ही वेबसाइट बनाइए। ये इम्ब्राको कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। आप स्टार्ट हुआ कीजिएगा, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह लेके चलनी है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ कि हमने कम्प्लीटली इम्ब्राको को अपने पास इंस्टॉल कर लिया। शुक्रिया।